नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को टिकिराज यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आंध्रा बैंक या फिर किसी भी बैंक का ईमेल आईडी को कैसे आप चेंज कर सकते हो या फिर अपडेट कर सकते हो ऑनलाइन। तो जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि हमारे वीडियो का हर अपडेट आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यदि आप ऑनलाइन अपडेट करना चाहते हैं तो आपका बैंक का जो है नेट बैंकिंग आपका एक्टिवेट होना चाहिए, नेट बैंकिंग का सुविधा आपके पास होना चाहिए, तब जाके ही आप अपना ईमेल आईडी को अपडेट कर पाएंगे नेट बैंकिंग लॉगिन करके, ठीक है। लेकिन दोस्तों यदि आपके पास आपका बैंक का ईमेल इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट नहीं है तो वो केस में आपको एक लेटर लिखना होगा अपने ब्रांच मैनेजर को, और वही लेटर के अनुसार ही जो है आपका ईमेल आईडी अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, चलिए हम चलते हैं, आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कैसे लिखना है लेटर, ऊपर में आपको यहाँ पे लिखना है डेट, ठीक है, जिस डेट पे आप इस एप्लीकेशन को सबमिट करोगे वो डेट आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में टू द ब्रांच मैनेजर, उसके बाद में यहाँ पे आपका ब्रांच का बैंक का नाम दीजिएगा, उसके नीचे ब्रांच का नाम दीजिएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट में रिक्वेस्ट टू चेंज माय ईमेल आईडी इन माय बैंक अकाउंट। उसके बाद में रिस्पेक्टेड सर, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू दैट आई वांट टू अपडेट माय ईमेल आईडी व्हिच इज hello@email.com। आपका जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे भरना होगा, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे मैंने अपडेट दिया है, ठीक है, अपडेट दिया है, या अपडेट आपको तब देना है जब आपका जो है ईमेल आईडी बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे रजिस्टर भी दे सकते हो उसके जगह में, और यदि ऑलरेडी आपका वहाँ पे ईमेल आईडी जो है अपडेट है तो आपको यहाँ पे चेंज देना है, आई वांट टू चेंज माय ईमेल आईडी, ठीक है, तो आपका हिसाब से दे दीजिएगा। उसके बाद में ऑन माय बैंक अकाउंट, सो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू टू काइंडली चेंज माय ईमेल आईडी इन माय बैंक अकाउंट टू प्रिवेंट माय पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग लॉस्ट। इट इज माय रिक्वेस्ट टू यू, please do the above mentioned update as soon as possible. I hope you would immediately look into the issue. उसके बाद में यहाँ पे regards लिखना है, आपका नाम यहाँ पे लिखना है, आपका account number यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे आपका CIF number लिखना है जो कि आपके passbook पे रहेगा, और यहाँ पे email ID to be update लिख के यहाँ पे आपका email ID भरना है जो email ID आप update करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जो है ऐसा लिखना है, ऐसा लिखने के बाद में ब्रांच मैनेजर को आपको सबमिट करना है। तो दोस्तों यदि आपको ये आप यदि पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट डाउनलोड करके भी आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, बेसिकली ये सभी लिखने के बाद में एक लेटर लिखने के बाद में जाके आपका ब्रांच मैनेजर को जो है आप जो है सबमिट कर दीजिए, सबमिट करने के बाद में आपका ईमेल आईडी अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।